तो दो सबसे क्लासी बल्लेबाजों के साथ दो युवा कप्तानों के बीच होने वाला है बहुत ही बड़ा घमासान। दोनों टीमें हैं इनफॉर्म, ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या दहाड़ेंगे राजस्थान के रॉयल्स या हुंकार भरेंगे लखनऊ के सुपर जायंट्स। What's going on everyone? I am Sufyan and welcome back to my channel। और IPL 2022 में Super Sunday में दूसरा मुकाबला होने वाला है लखनऊ Super Giants बनाम राजस्थान Royals। और ये दोनों ही टीमें जहां दो सबसे क्लासी बल्लेबाज यानी कि संजू सैमसन और KL राहुल की कप्तानी वाली टीमें हैं, वहीं इस IPL में दोनों टीमों ने शानदार फॉर्म भी दिखाई है। और जो एक एक मैच दोनों टीमें हारी हैं वो भी जुझारू तरीके से लड़ाई लड़कर हारी हैं। ऐसे में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि Super Giants और Royals यानी कि लखनऊ के नवाब और राजस्थान के रजवाड़ों के इस जंग में कौन विजयी होने वाला है। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे दोनों टीमों की प्लेयर वाइज एनालिसिस, दोनों टीमों की प्लेइंग 11, कौन से की प्लेयर होने वाले हैं, कौन सा वो एक प्लेयर टू वॉच आउट फॉर है और उसके साथ की बैटल क्या होने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, सपोर्ट माय वर्क एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लखनऊ सुपर जायंट्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच ये मुकाबला खेला जाना है वानखेड़े के स्टेडियम में। और वानखेड़े के इसी मैदान पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को एक बहुत ही क्लोज मुकाबले में हराया था, जिसमें दिनेश कार्तिक की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत RCB ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अगर इस मैदान के पिच की बात करें तो पिच यहां पर बल्लेबाजी के लिए अच्छी होगी, लेकिन उसके लिए बल्लेबाज को विकेट पर थोड़ा सा समय बिताकर सेट होना पड़ेगा और पिच से स्पिनर को भी मदद मिल सकती है कंसिडरिंग कि ड्यू फैक्टर वहां पर कितना ज्यादा आता है और शुरुआत में गेंद थोड़ी सी फंस करके भी निकलती है। ऐसे में तेज गेंदबाजों को भी शुरुआत में मदद मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे मैदान पर ड्यू आएगी, जैसे जैसे रात और होगी, बल्लेबाजी के लिए कंडीशंस कुछ बेहतर जरूर होती है। हालांकि थोड़ा स्टिकी वेदर जरूर होता है, यानी कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेगी। वहीं दोनों टीमें IPL इतिहास में तो पहली बार आमने सामने आई है, लेकिन इस IPL में दोनों टीमों ने फॉर्म बहुत ही जबरदस्त दिखाई है। लखनऊ सुपर जायंट्स जहां 4 मैचों में से 3 अच्छे मैच जीतकर इस मैच में आ रही है, वहीं राजस्थान रॉयल्स भी अपने शुरुआत के 2 मैच जीतकर नेट रन रेट बहुत ही ऊपर ले जा चुके हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स ने जहां अपने 4 मैचों में से 3 मैच जीते हैं और 6 पॉइंट के साथ उनका प्लस में नेट रन रेट है, वहीं राजस्थान रॉयल्स ने 3 मैचों में से 2 मैचों में जीत दर्ज की है और 4 पॉइंट के साथ उनका नेट रन रेट +1 से भी ज्यादा है। यानी कि दोनों टीमों के बीच मुकाबला बहुत ही कांटे का होने वाला है। अब अगर दोनों ही टीमों के खिलाड़ियों के बीच कुछ की बैटल्स की बात करें तो दोनों ही टीमों के बल्लेबाज भी बहुत ही शानदार हैं और दोनों टीम के गेंदबाजों में भी काफी धार है। ऐसे में क्विंटन डीकॉक और युजवेंद्र चहल के बीच सबसे बड़ा की बैटल होने वाला है। क्विंटन डीकॉक ने पिछले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए शानदार 82 रन की पारी खेली थी और जिस पोजीशन पर उन्होंने वो 80 रन बनाए थे वो वाकई कमाल थे, लेकिन युजवेंद्र चहल के सामने उनका बल्ला थोड़ा सा फीका जरूर पड़ जाता है। युजवेंद्र चहल के सामने क्विंटन डीकॉक 33 रन बना पाए हैं सिर्फ 28 में और उन 28 बॉल्स में 4 बार यूजी ने उनका शिकार किया है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के न्यू बॉल बॉलर और सबसे एक्सपीरियंस गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट का मुकाबला KL राहुल से होने वाला है, लेकिन यहां पर कहानी पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है। ट्रेंट बोल्ट के सामने KL राहुल ने 40 बॉलों में 71 रन बनाए हैं, सिर्फ एक बार ट्रेंट बोल्ट उनको आउट करने में कामयाब हुए हैं और उनका स्ट्राइक रेट 175 का है। यानी कि एक ओपनर का दबदबा है राजस्थान के गेंदबाजों पर, वहीं दूसरे ओपनर स्पिन के सामने थोड़ा जरूर है। प्लेयर टू वॉच आउट फॉर के हमारे सेगमेंट में आज के प्लेयर हैं KL राहुल, जिनको राजस्थान रॉयल से बचकर रहना पड़ेगा और जो हमारा खूब एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। काफी रास आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम KL राहुल को, जिन्होंने अपने IPL करियर में राजस्थान के खिलाफ 490 रन बनाए हैं। वहीं पिछले साल IPL में जब वो किंग्स 11 पंजाब के कप्तान थे, पंजाब किंग्स के, उस समय KL राहुल ने 91 रन की शानदार पारी खेली थी राजस्थान रॉयल्स के सामने। संजू सैमसन ने भी उस मैच में शतक लगाया था, लेकिन आखिरी में पंजाब किंग्स को जीत मिली थी और वानखेड़े का ही वो मैदान था और KL राहुल उस समय पंजाब किंग्स के कप्तान थे। यानी कि इस बार भी राजस्थान रॉयल्स को उनसे थोड़ा बच कर रहने की दरकार है। वहीं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स को बड़ा बूस्ट मिला है और ऑस्ट्रेलिया के दी हल्क मार्कस स्टोइनिस लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए इस मैच में खेलने के लिए अवेलेबल है। 5 तारीख को वो अपना लास्ट मैच पाकिस्तान से खेल करके आ गए थे और अपना क्वारंटाइन पूरा करके वो लखनऊ की सिलेक्शन के लिए अब अवेलेबल है। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11
11 की बात करें तो क्विंटन डी कॉक के साथ हमें ओपन करते हुए दिखाई देंगे कप्तान केएल राहुल। उसके बाद नंबर 3 पर होंगे मार्कस स्टोइनिस, नंबर 4 दीपक हुड्डा, आयुष बदोनी, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, कृष्णप्पा गौतम, एंड्रयू टाय, रवि बिश्नोई एंड आवेश खान। यानी कि गेंदबाजी में भी एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को। तीन अच्छे स्पिनर लखनऊ सुपर जायंट्स के पास होंगे, वहीं दीपक हुड्डा आयुष बदोनी का भी ऑप्शन होगा। यानी कि कमाल की ऑलराउंड टीम, इन फॉर्म टीम है और ये टीम से डर कर रहने की जरूरत है। वहीं राजस्थान रॉयल्स के लिए यहां पर उल्टा मामला है, नेथन कुल्टरनाल इंजरी की वजह से बाहर हो चुके हैं और उनकी जगह खेल रहे नवदीप सैनी पिछले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। ऐसे में उनकी जगह जिमी नीशम या फिर ओबेद मकॉय में से किसी एक को मौका मिल सकता है। ऐसे में राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 होगी यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर, संजू सैमसन, देवदत्त पडिक्कल, शिमरॉन हेटमायर, रियान पराग, रविचंद्रन अश्विन, जेम्स नीशम और ओबेद मकॉय, ट्रेंट बोल्ट, प्रसिद्ध कृष्णा एंड युजवेंद्र चहल। यानी कि राजस्थान रॉयल्स एक बार फिर से अपनी बोलिंग से लखनऊ सुपर जॉयंट्स की लंबी बैटिंग पर हमला करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसके सामने प्रॉब्लम यह है कि केएल राहुल भी एक मैच में रन बना चुके हैं, क्विंटन डीकॉक ने पिछले मैच में रन बनाए, आयुष बदोनी, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या मौके मिलने पर अच्छा शॉट लगा रहे हैं। सो दिस विल बी अ बिग चैलेंज फॉर आरआर। वहीं अगर अब दोनों टीमों के तीन तीन की प्लेयर्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेरे हिसाब से यहां पर की प्लेयर होने वाले हैं केएल राहुल, दीपक हुड्डा एंड रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई को यहां पर मैं इस वजह से रख रहा हूं क्योंकि विकेट्स स्पिनर्स को थोड़ी मदद कर रही है। पिछले मैच में यूजी चहल ने अच्छी बॉलिंग की थी इसी मैदान पर, ऐसे में रवि बिश्नोई भी उसी तरीके का काम कर सकते हैं। और जो मिडिल ऑर्डर है राजस्थान रॉयल्स का, खास करके शिमरॉन हेटमायर, वहां पर रवि बिश्नोई को विकेट चटकाने बहुत जरूरी है। वहीं रवि बिश्नोई से ऊपर अगर आप दीपक हुड्डा को देखते हो तो उनको अटैक करना होगा यहां पर राजस्थान रॉयल्स के रविचंद्रन अश्विन और युजवेंद्र चहल पर। मार्कस स्टोइनिस पर आप जरूरत से ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहते। वहीं केएल राहुल को अच्छी शुरुआत देनी होगी फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। वहीं राजस्थान रॉयल्स के तीन की प्लेयर्स की अगर बात करें तो एक बार फिर से मेरे हिसाब से इस मैदान पर संजू सैमसन के साथ युजवेंद्र चहल और शिमरॉन हेटमायर की प्लेयर्स होने वाले हैं। जॉस बटलर ने अभी तक अच्छी बल्लेबाजी की है तो उनको थोड़ा सा साइड करते हैं, ही इज बाउंड टू फेल एट सम स्टेज, लेकिन आप नीचे की तरफ देखना चाहते हो कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो इसी तरीके से आता रहे। ऐसे में संजू सैमसन को अटैक करना होगा यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजों पर। वहीं शिमरॉन हेटमायर का रोल काफी अहम हो जाता है क्योंकि उनको यहां पर फिनिशर का रोल निभाना होगा क्योंकि नीचे ज्यादा बल्लेबाजी है नहीं और अभी तक इसमें शिमरॉन हेटमायर ने कमाल का काम किया है। हालांकि जैसे ही वो बल्लेबाजी करने आएंगे तो कृष्णप्पा गौतम और दीपक हुड्डा उनके सामने गेंदबाजी करते हुए हमें दिखाई देंगे, साथ ही में रवि बिश्नोई भी वही रोल अदा करेंगे। वहीं युजवेंद्र चहल को मिडिल ओवर्स में विकेट चटका होंगी क्योंकि शुरुआत में हमने देखा है कि अगर आप एलएसजी की विकेट ले भी लो तो लखनऊ सुपर जायंट्स का जो मिडिल ऑर्डर है, चाहे आप बदोनी की बात करो, कृणाल की बात करो, हुड्डा की बात करो, ये सब आकर यहां पर मामला संभाल लेते हैं। ऐसे में युजवेंद्र चहल विल बी अ की प्लेयर फॉर आरआर। अब अगर यहां पर मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन दूं तो मेरे हिसाब से वानखेड़े के इस मैदान पर, क्योंकि दोनों टीमों की गेंदबाजी अच्छी दिखाई पड़ रही है, तो 150-160 के बीच रन बनने वाले हैं। वहीं केएल राहुल 40 रन से ज्यादा स्कोर करेंगे, यानी कि अच्छी शुरुआत वो देंगे लखनऊ सुपर जायंट्स को और अंत में लखनऊ सुपर जायंट्स इस मैच में अपना झंडा गाड़ेगी राजस्थान रॉयल्स के ऊपर, यानी कि नवाबों की चांदी होने वाली है और रॉयल्स लगातार 2 मैच हारने वाले हैं। बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या कहता है? क्या राजस्थान रॉयल्स यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स को हराने में कामयाब होगी या शानदार मोमेंटम के साथ चल रही लखनऊ सुपर जायंट्स एक और मैच जीतेगी? मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं तो मैं तो लखनऊ के ही साथ जाऊंगा, लेकिन आप किसके साथ जाओगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।